सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से अनुजी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं हल्की हल्की करेक्शन फिर से बननी शुरू हो गई है। अब 3000 के लेवल्स पर भी ट्रेड करते नजर आ चुका है, 3031 का लो लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में जो करेक्शन है 3000 के नीचे भी ले जा सकती है कीमतों को? देखिए बिल्कुल, बिनौला खल में हमें लगता है कि बिनौला खल और कॉटन दोनों के अंदर ही हमें थोड़ी नरमी लग रही है, क्योंकि डिमांड जो है वो हायर लेवल पे खत्म होती हुई दिख रही है। और अब बिनौला खल की बात करें तो इसके जो दूसरे प्रोडक्ट है जैसे हरे चारे की डिमांड, वो यहाँ बढ़ सकती है क्योंकि हायर लेवल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो भाव है वो थोड़े से सेल में रहेंगे, नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 2950 से 2900 रुपए तक के लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में आ सकते हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए। 2950 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।